like a Hellcat. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजोनिया टिटुलस में। दोस्तों, आज देखेंगे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे तुरंत और क्यूबिक मेथड से। तो चलिए देखते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 75 का स्क्वायर निकालना। तो चलिए क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले 75 के नजदीक कौन ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक जीरो हो। तो देखिए 75 यानी 75 का नजदीक का ऐसी संख्या 70 है जिसका इकाई अंक शून्य है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 400। और क्या करना है, प्लस, और देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको नहीं लिखना है, और ये दोनों को गुना कर लीजिए। देखिए 5 दूना कितना होगा 10, और 10 में कितना से गुना करेंगे 70 में, तो कितना हो जाएगा 700। और प्लस देखिए अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और तीनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए 25, और देखिए 9 7 16, 16 का 6 हासिल, 1 और 4 1 5, कितना हो जाएगा 5625। इस प्रकार आप आसानी से वर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर। इसमें देखिए 35 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक शून्य होना चाहिए, तो वो है 30 यानी 30। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, शून्य इकाई वंस। चलिए इसी प्रकार बनाना, क्या करना है, जिसका स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 900, और प्लस देखिए, और क्या कीजिए इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको नहीं लिखना है, और दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और 10 में कितना से गुना करना है 30 से, तो कितना हो जाएगा 300। और प्लस क्या करना है, उसके बाद इसका स्क्वायर लिख दीजिए, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर दीजिए 900 और 300 1200 और 25, कितना हो जाएगा 1225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार बनेगा, देखिए 25 के नजदीक वैसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक शून्य हो, तो वैसी संख्या 20 यानी 20 है। देखिए 20 इसका इकाई अंक क्या है, शून्य, तो क्या कीजिए इसका ही स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 400। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को गुना कर लीजिए, गुना कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और 10 में कितना से गुना करना है 20 से, तो कितना हो जाएगा 200। अब इसको छोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 25, और ऐड कर दीजिए, कितना होगा 400 200 600 और 25, कितना हो जाएगा 625। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का स्क्वायर। इसी प्रकार बनेगा, 65 के नजदीक वैसी संख्या देखिए जिसका इकाई अंक शून्य होना चाहिए, तो 65 के नजदीक वैसी संख्या 60 होगा, 60 यानी 60, जिसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य। यहाँ पर देखिए इसका ही स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 3600, और प्लस क्या कीजिए इसको छोड़ दीजिए, इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और 10 में कितना से गुना करेंगे 60 से, कितना हो जाएगा 600। और प्लस देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 25, 6 6 12 और 4 3 1 4, तो कितना होगा 4225। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।